हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से ये जो मोमेंट है, जो लास्ट टाइम है, उसको किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और 95 प्लस कैसे लाने। राइट, देखो अब तक आपकी जो भी तैयारी है, जो भी प्रिपरेशन है, मतलब मुझे कंफर्म है कि आपने सभी चैप्टर्स को एक एक बार तो अच्छे से पढ़ा होगा, टेस्ट भी दिया होगा, रिविजन भी किया होगी। राइट, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स के जो कि आपको स्किप नहीं करने हैं If you really want to score 95 plus, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सभी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो किस बारे में, भाई वो प्लान के बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से, तो वो कंबाइंड स्टेट में होंगे मेरे पास, है ना। तो एक साथ में सारे क्वेश्चंस बताते चलूंगी, आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक ये होता है कि डिस्कस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन डिटेल। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस प्री फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि लार्ज नंबर में मेल गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस किया जाता है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ऐसा क्यों होता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस, मेल गैमेट्स और मेल गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस बाय मॉसेस या फिर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है भाई। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर वाटर एक मीडियम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और वाटर में अगर आप गैमेट्स को रिलीज कर रहे हो तो भैया चांसेस बहुत कम है ना कि फर्टिलाइजेशन हो पाएगी या नहीं, इसलिए आप फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करवाने के लिए लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हो और वही मोटाइल होते हो इसीलिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी और फंजाई शिफ्ट कर जाती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एल्गी एंड फंजाई शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हमें पता है कि सेक्सुअल मोड में वेरिएशंस आएगी, जायगोट बनेगा, जायगोट के चारों तरफ एक थिक लेयर बनेगी जो कि रेजिस्टेंस देगी उनको डेसिकेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन इज एल्गी एंड फंजाई शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन जो वन मार्क में पूछ लिया जाता है, व्हाट डज टेसर्स ऑफ कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट। टेसर्स ऑफ कॉर्न कॉब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताओगे टेसर्स ऑफ कॉर्न कॉब स्टिग्माइड स्टाइल को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये है कि आप बताइए पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है। पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है, है ना। तो भैया एक प्लांट और एक एनिमल के लिए आपको इसको डिटेल में बनाना पड़ेगा, पार्थिनोकार्पी। अब अगर मैं डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक तो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है भाई, एनाट्रोपस ओव्यूल। और जो दूसरा डायग्राम आपसे बोल देते हैं वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का होता है। तो डायरेक्टली मैच्योर एम्ब्रियो सैक लिखे या ना लिखे आपसे ही बोल दिया जाएगा 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्टेज को रिप्रेजेंट करें। तो आप यहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन और टू में से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपोमिक्सिस से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो वो ये पूछेंगे कि भैया एपोमिक्टिक सीड्स किस तरीके से जरूरी होते हैं फार्मर्स के लिए, भैया किसानों को क्या फायदा है एपोमिक्टिक सीड्स का। तो आप ये बताओगे कि हर साल उनको न्यू एक्सपेंसिव सीड्स नहीं खरीदने देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बार बार नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेट पाम या कोकोनट वगैरह, मतलब उसमें पूछ लेंगे कि मोनोशियस कौन सा, डायोशियस कौन सा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 और 2 में से काफी बार पूछे जाते हैं। अगर वन मार्क के अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव जो जैसे आप ले सकते हो, अगर मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की बात कर रही हूँ तो वो पूछ लेंगे लाइक कोनिडिया किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वो पेनिसिलियम का है ना। और इसके अलावा भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कौन सा फेज है, द फेज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म पास थ्रू, है
है ना, बिफोर रिप्रोड्यूसिंग। तो रिप्रोड्यूस करने से पहले सभी ऑर्गेनिज्म एक फेज को पार करते हैं, वो कौन सा फेज होता है, वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज। तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आपसे पूछ ही सकते हैं, है ना भाई। मोटाइल और नॉन मोटाइल याद रखना, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं दीज आर जनरली नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे ना पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, पॉलन ग्रेन का क्वेश्चन। देखो अभी रिसेंटली आई जस्ट केम अक्रॉस अ क्वेश्चन, वो ये था कि पॉलन ग्रेन के अंदर व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। तो भैया एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो दो तरीके के सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव। फिर आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके फंक्शंस भी बताने होंगे। तो आप बताओगे कि जो वेजिटेटिव सेल है अबंडेंट होता है, न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, वो जनरेटिव को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आप बताइए हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है जो कि पॉलन ग्रेन का एक कंपोजिशन होता है, तो वो स्पोरोपोलिनिन है। क्या सिग्निफिकेंस है, वो विदस्टैंड कर सकता हाई टेम्परेचर को, एसिड को, है ना। फिर पूछेंगे वो कौन सा रीजन है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो आप बताओगे जर्म पोर्स में। क्यों, क्योंकि वहां से पॉलन ट्यूब एक्सटेंड करेगी, करेक्ट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो उसके दोनों लेयर्स है उसके नाम बताइए, उनका कंपोजिशन बताइए, तो आपको बताना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस एक और जो टॉपिक है वो है स्क्यूटेलम, जो मोनोकॉट का कॉटिलीडॉन है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। कई बार इसका डायग्राम भी आपसे पूछ लिया जाता है। और पॉलन एलर्जी करवाने के लिए हमसे क्या पूछा जाएगा, किस चीज के बारे में, कैरेटग्रास के बारे में, यानी कि पाथीनियम, है ना भाई। एक नंबर में एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसे कि अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, है ना। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना कौन कौन शो करेगा, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। आप उसमें बैम्बो का एग्जांपल दे सकते हो जो कि 50 से 100 साल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा। देन दूसरा एग्जांपल स्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, यानी कि नीला कुरंजी, जो कि हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा। तो ये हो गया अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, ठीक है भाई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिचेली और पेपरवर, मतलब आपसे ये पूछेंगे मिचेली और पेपरवर ये दोनों ही ऐसे प्लांट्स हैं जो मल्टीकार्पेलरी है, तो अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डाला है। तो आप बताओगे एक सिनकार्पस है और एक एपोकार्पस है। सिनकार्पस का मतलब होता है सारे कार्पस फ्यूज्ड है और एपोकार्पस का मतलब है कि वो फ्री, ठीक है। तो पेपरवर सिनकार्पस होगा, मिचेलिया एपोकार्पस होगा। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में से दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो कि आपको स्किप नहीं करने है ना, बट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बचे हैं इसमें। एक है आउटब्रीडिंग डिवाइस और पॉलिनेशन का एक टॉपिक। देखो मैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन करके लिख रही हूँ, आउटब्रीडिंग डिवाइस। पता है क्या, ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस वाला क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे ये पूछेंगे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स हैव डेवलप्ड देमसेल्फ्स, कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने कुछ चीजें डेवलप की हैं, वो क्या है। तो आप बताओगे कि प्लांट्स ने आउटब्रीडिंग डिवाइस को डेवलप किया है, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की फॉर्मेशन, या फिर मेल और फीमेल पार्ट्स का काफी दूर एक साथ प्रेजेंट ना होना, दूर प्रेजेंट होना, या फिर सिंक्रोनाइजेशन का ना होना, मतलब जिस समय पॉलन रिलीज होंगे उस समय स्टिग्मा रिसीव ना करे पॉलन ग्रेन को। तो ये चारों फीचर्स आउटब्रीडिंग डिवाइस में आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि एंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, मतलब कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होगी ही होगी, तो फिर आप उसमें आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं लिखोगे भाई। आप उसमें क्या लिखोगे, आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, यानी कि इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग को हमने बोला है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, और जेंटनोगैमी और जीनोगैमी में डिफरेंस भी आप याद रखो, करेक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 and 2। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो 1 और 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी पर डिस्कस किए हैं, उसके अलावा आप डबल फर्टिलाइजेशन को भी ध्यान में दें, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, है ना, क्योंकि वो हर बार आता है, तो कई बार उससे 1 मार्क में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे एंडोस्पर्म से रिलेटेड, राइट। तो अब हम बात करें चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 का है, एक आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है विच इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, मतलब
कि कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, तो इसको आप एक चार्ट के मतलब रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आंसर को, हॉर्मोनल कंट्रोल। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में से, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आपको या तो ग्राफ बना हुआ दे देंगे और ए और बी पूछ लेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए ज्यादातर पूछते हैं, या फिर ये पूछेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आप बताइए 14th डे पर क्या होगा, आप बताएंगे एलएच सर्ज होगा, एज अ रिजल्ट ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ना पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बना के देंगे और पूछेंगे प्रोलिफरेटिव फेज किसे कहते हैं, है ना। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा फेज है जिसमें जो आपका प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम है वो कोएग्जिस्ट करता है, प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटियम कोएग्जिस्ट, तो आप बताओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है भाई। प्रेगनेंसी के समय पर जो प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, कोएग्जिस्ट करेगा। फिर पूछेंगे कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करेगा, ऐसा क्यों, प्लेसेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप बताओगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, नहीं तो फिर मैं आप लिख रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अदरवाइज आपसे बोलेंगे कि ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बना के बताइए, तो उसमें आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना होगा, साइड में लेयर बनानी होती है जो कि कौन सी है भाई, ये लेयर होती है आपकी ट्रोफोब्लास्ट और जो अंदर बहुत सारे सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स है मास, इसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। अदरवाइज आपसे पूछेंगे स्टेज आफ्टर क्लीवेज, क्लीवेज के बाद वाली जो स्टेज है उसका डायग्राम बनाइए, तो आप बना के दिखा देना भाई क्लीवेज में टू सेल स्टेज होती है, ब्लास्टोमेर्स बनते हैं दो, तो इसके बाद वाली स्टेज में कितने होंगे, चार ब्लास्टोमेर्स, करेक्ट। देन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक तो हॉर्मोनल कंट्रोल हो गया, इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे तो फंक्शंस पूछ लेंगे, लिडिक सेल का बताइए, सर्टोली सेल्स का बताइए, है ना। तो मैं अभी मेंशन कर रही हूँ फंक्शंस ऑफ लिडिक सेल या फिर सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ चार्ट के थ्रू इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे कि चार्ट के थ्रू आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है एम्नियोसिंथेसिस में से, तो उसमें होगा क्या, उसमें आपको ये बताना होगा कि भाई बैंड स्टैट्यूटरी बैंड क्यों लगाया जाता है इसके ऊपर, तो बताओगे फीमेल फिटिसाइड के नंबर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। फिर पूछेंगे इसका एक फायदा भी बता दो, तो जो ये क्रोमोसोम और पैटर्न के बेसिस पर जो डिजीज है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका यूज करके, राइट। फिर एमटीपी की कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, RCH का एम क्या है, RCH का एम अवेयरनेस क्रिएट करवाना और हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करवाना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो कॉपर टी है वो एक बहुत ही अच्छे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कैसे एक्ट करता है, आप बताओगे स्पर्म की जो मोर्टिलिटी है उसको सप्रेस कर देगा, है ना। तो इसके अलावा आपसे बैरियर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सहेली और मालडी के कंपोजिशन के बारे में पूछ लेंगे, तो आप ये बताओगे कि जो सहेली है वो नॉन स्टेरॉयडल है जबकि जो मालडी है वो एक स्टेरॉयडल पिल है, ठीक है। परमानेंट अगर एक तरीके से मेथड पूछा जाए तो स्टेरिलाइजेशन बताते हैं, हालांकि वो हम परमानेंट कह देते हैं क्योंकि रिवर्सिबिलिटी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिवर्स हो नहीं सकता, लेकिन एक तो पैसा खर्च होगा क्योंकि इसमें वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, दूसरा बॉडी एक तरीके से अफेक्ट हो जाती है इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। और देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है उसमें आपसे पूछेंगे कॉजेस क्या है इनफर्टिलिटी के, राइट, कॉजेस बता दोगे। फिर आपसे पूछेंगे कि लो स्पर्म काउंट है तो फिर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा, तो भाई लो स्पर्म काउंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, या फिर आपसे पूछेंगे ICSI की फुल फॉर्म बताओ, है ना। या फिर अगर हमने इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किया, अगर हमारे पास जायगोट प्रेजेंट है मोर देन 8 सेल वाली स्टेज में तो उसको कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, यूट्रस में करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, हालांकि आगे की जो ये चारों चैप्टर्स हमने डिस्कस किए इसमें से कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इन्हीं चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं जिस वजह से वो 95 प्लस नहीं लेकर आते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चैप्टर्स के ये स्पेशल टॉपिक्स को जरूर देखें, राइट। तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 5 के बारे में।
अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, राइट। तो चैप्टर नंबर 5 में से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, वो ये है कि मेंडल का जो वर्क था वो 1900 तक अनरिकग्नाइज था, है ना। सो व्हाई वाज द वर्क ऑफ मेंडल अनरिकग्नाइज टिल 1900, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिख रहे हैं, मेंडल्स वर्क वॉज अनरिकग्नाइज या रिमेन अनरिकग्नाइज्ड कब तक भाई, टिल 1900। तो इसको आप बताइए, इसके तीन रीजन है, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन है, तो उसको स्किप ना करें, ये जरूर देखें। ये कहां पर टॉपिक प्रेजेंट है, वहीं पर जहां पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, और इसको आप एक्सप्लेन करें, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। और इसी टॉपिक से क्वेश्चन ये है कि जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग किसने दिया था और किस बेसिस पर दिया था। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीन मैपिंग किसने दिया था भाई, देखो टीएच मॉर्गन ने दिया था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, टीएच मॉर्गन के ही स्टूडेंट अल्फर्ड स्वेंड ने क्या दिया था, जीन मैपिंग। और किस बेसिस पर दिया था, जीन मैपिंग का बेसिस क्या था मैं बता देती हूँ, द बेसिस वॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, भाई जीन्स की जो पेयर ऑफ जीन्स है उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है ना, उसी के बेसिस पर जीन मैपिंग दिया गया था। अब जो अगला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो आपका हो गया हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, ठीक है। जो हीमोफीलिया है और जो थैलेसीमिया है दोनों ही ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, किस तरीके से आप उसको डिस्कस करें, है ना, और किस तरीके का टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आपको वो भी बताना होगा। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से पूछ लिया जाता है, स्नैपड्रैगन का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कई बार एक एक नंबर में ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन सबको डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का एक एग्जांपल दीजिए, तो ग्रास ऑफर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये वन मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब एमसीक्यूज भी आ रहे हैं इसलिए मैं बार बार वन मार्क के क्वेश्चन पर फोकस कर रही हूँ, राइट। तो आपको बता दो 5 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू ही आने वाले हैं, तो ये सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है उनको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है भाई। इसके अलावा जो इस चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर में, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफर करेंगे, राइट। तो ये क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है भाई। फिर इसके अलावा क्या क्वेश्चन है जो कि 5th चैप्टर से पूछा जाता है, वो ये है आप बताइए मेंडल ने जो लॉ दिए थे, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसे इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 फीचर्स जो उन्होंने बताए थे वो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, व्हाट आर दी कैरेक्टर्स ऑफ द लॉ गिवन बाय मेंडल। तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, 3 के 3 जो पॉइंट्स है सब टॉपिक्स है वो आपको बताने हैं, जो कि मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें पूछे गए, करेक्ट। तो ये तो हो गए चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस। अब मैं आगे चलती हूँ, अगर मैं 6 चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करूं तो आपसे पूछेंगे ड्यूअल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डीएनटीपीस। डीएनटीपीस क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है इसमें है ना, वो रेप्लिकेशन फॉर्क से क्वेश्चन आ जाता है, उसका डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, एक क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेंगे, फिंगरप्रिंटिंग वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि पेटर्निटी टेस्ट करना है या फिर आपको कोई सैंपल मिला है आप ही पहचान नहीं पा रहे बर्न्ड बॉडी मिली है, तो किसका यूज करके आप ये पहचानोगे कि कल्प्रिट कौन, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने के चांसेस और ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट, अच्छा वैसे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, है ना, तो हमने क्या लिखा है मेंडल का वर्क अनरिकग्नाइज क्यों था, देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब अगर मैं आगे बात कर रही हूँ 6th चैप्टर के फर्दर क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें 2 मेथडोलॉजीज आपसे पूछी जाती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 मेथडोलॉजीज आपसे पूछी जाएंगी,
तो आपको वो बतानी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है हमने HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसकी क्या पूछा जाती है मेथोडोलॉजी, ठीक है भाई। तो उसमें आप ESC और सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में बताओगे, कई बार HGP को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं ये भी पूछ लिया जाएगा। तो आप बता दो भाई क्योंकि 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, इतना समय इसके अंदर लगा था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में से, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम बना के दिखाओ, है ना। फिर एक पूछते हैं चार्जिंग ऑफ TRNA या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ TRNA, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो पता है किस तरीके से आएगा, TRNA के डायग्राम बना के आपको दे देंगे। मान लो यहाँ पर ऐसे TRNA के डायग्राम बना रखे हैं, यहाँ पर लिख दिया ए, ऐसे होगा बी। अभी रिसेंट मैंने कई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी आपकी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ। लाइक यहाँ पर आपको ना मैसेंजर RNA की सीक्वेंस दे रखे हैं, या अगर मैसेंजर RNA की सीक्वेंस नहीं दिए हुए तो फिर यहाँ पर एंटीकोडोन्स होंगे, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि चलो मैंने आपको एक DNA का सीक्वेंस दे दिया, ATTGCCATG, मान लो ये मैंने आपको DNA का सीक्वेंस दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो एंटीकोडोन्स है, अगर मैं इनके एंटीकोडोन्स के बारे में बात करूं, मान लो यहाँ पर CGG हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है एंटीकोडोन का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मान लीजिए ये आपका हो सकता है UAA, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस हो सकता है वो हो सकता है UAC, ठीक है। अब वो पता है क्या बोलेंगे आपसे, वो ये बोलेंगे कि एक DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमने आपको दे दिया, है ना। आप ये बताओ कि ये जो tRNA यहाँ पर प्रेजेंट है इनका क्या सीक्वेंस होगा ऑन मैसेंजर RNA, ठीक है। फिर से सुनिए, आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का DNA का सीक्वेंस दे रखा है, आपसे बोला है कि ये हमने आपको 3 tRNA दे दिए, ये tRNA का सीक्वेंस क्या होगा, CBA क्या सीक्वेंस होगा ये पूछेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैसेंजर RNA बनाओगे, है ना। कैसे बनाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू होता है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, ए होता है। अब जी का सी हो गया, सी का जी हो गया, जी हो गया, ए का यू हो गया, टी का ए, सी जी का सी हो गया, है ना। अब देखो UAA यहां पर प्रेजेंट था, CGG यहां पर प्रेजेंट था, UAC यहां पर प्रेजेंट था, तो सीक्वेंस आप इसी हिसाब से बता सकते हो, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर किस तरीके के सीक्वेंस, या फिर ये जो सीक्वेंस है ये तो मैंने tRNA के बना दिए, लेकिन ये मैसेंजर RNA के सीक्वेंस हो सकते हैं, तो ये आगे पीछे किस तरीके से अरेंज रहे होंगे वो आपको बताना है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, और पूछेंगे कौन सा फिनोमेना शो किया जा रहा है, आप बताओगे अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA यानी कि चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि tRNA को पहले क्या कहा जाता था, या फिर वो कौन सा RNA है जिसको सोल्यूबल RNA कहा जाता था, तो आप बताओगे tRNA को कहते थे। फिर एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि भाई ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो आप बताओगे DNA। भाई कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, DNA, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी RNA, तो वो RNA होता है भाई। कौन सा RNA, 23SRRNA, ठीक है भाई, 23SRRNA। तो न्यूक्लिक एसिड तो जेनेटिक मटेरियल है, वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो दिस इज 23SRRNA, राइट। अब इसके अलावा चैप्टर में से भाई अगर एक आधे नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, है ना, तो एंजाइम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो कौन सा एंजाइम्स है जो मान लो tRNA की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, mRNA की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो आपको RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 इनके फंक्शन तो याद करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, राइट। फिर इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन, हालांकि चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो बोल देंगे कि ट्रांसक्रिप्शन बता दो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, अदरवाइज वो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ वो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग, है ना। तो ये जो पैकेजिंग है उसमें आप हिस्टोन के बारे में बताओगे, हिस्टोन के बारे में बताओगे, और इसी के साथ साथ सेंट्रल डॉगमा, जो सेंट्रल डॉगमा है उसके एक्सेप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप बताओगे वायरस, क्यों है वायरस उसके एक्सेप्शन, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, करेक्ट। पैकेजिंग हो गई है, सेंट्रल डॉगमा हो गया, रही बात एक्सपेरिमेंट्स की, आप सोचोगे कि मैम ने एक्सपेरिमेंट्स तो बोले ही नहीं,
एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं बोला। सी जो एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में गिवन है उन सभी में से कोई भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज सजेस्ट करूं तो आप ये याद रखें कि उन एक्सपेरिमेंट में किसने किस किस चीज का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली 5 मार्क का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस किस का यूज किया था, तो आप बता सकते हो ई कोलाई बैक्टीरिया का और बैक्टीरियोफेज का यूज किया था, राइट। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो 1 मार्क में पूछेंगे आप बताओगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, तो फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था, व्हाट वॉज इट कॉल्ड देन, और पहले इसको क्या कहा गया था, आप बताओगे इसको न्यूक्लिन कहा गया था, क्या कहा गया था, न्यूक्लिन, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 में से आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, देखते रहो इसको आप फोटोकॉपी मतलब पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 5 और 6। तो जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क के हिसाब से तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हैं 1 मार्क के हिसाब से, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लोब फिन या फिर सीलोकैंथ लिखा हुआ होता है ना, और शिव, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, लोब फिन या शिव की क्या सिग्निफिकेंस होगी 1 मार्क में। फिर इसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे 15 मिलियन ईयर्स अगो जो आए थे ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन, है ना, जो इवॉल्व हुए थे। फिर पूछेंगे सेंट्रल एशिया में इवॉल्व होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से है, या ईस्ट अफ्रीका में जो इवॉल्व हुए वो कौन से, उनके फॉसिल मिले थे, ठीक है। तो आप बताओगे ये रामापृथिकस से ड्रायापृथिकस होंगे, सेकंड सेंट्रल एशिया में आपके कौन होते हैं नेदरडेल्स होते हैं, ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड्स में आपको कौन मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर ये भी पूछते हैं कि जो ये नेदरडेल्स हैं ये किस तरीके से इवॉल्व हुए, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो आप बताओगे वो अपनी बॉडी को हाइड करने लगे थे, है ना, और साथ साथ वो डेड ऑर्गेनिजम्स को बरी भी करते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से 7 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो मिलर का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उनका कंक्लूजन क्या निकला, है ना। ऑपरेन एंड हेल्डन के पोस्टुलेट्स पूछते हैं, ये 1 मार्क में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेन एंड हेल्डन, ठीक है भाई। तो पोस्टुलेट्स हो सकते हैं ऑपरेन एंड हेल्डन के, पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेन एंड हेल्डन, ठीक है भाई। फिर इसके बाद मिलर्स एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन, मिलर्स एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, ये बहुत जरूरी है। फिर है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को और कैसे, तो वो थॉमस मार्थस थे, उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक ऐसे लिखा था जिससे डार्विन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, है ना। फिर बताइए नेचुरल सिलेक्शन के अलावा डार्विन ने और किन किन चीजों के बारे में बताया, है ना। तो आप बताओगे कि डार्विन ने बताया था अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में, ठीक है भाई, अडैप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भैया एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या है, किस तरीके से वो हमारे लिए जरूरी है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से इवोल्यूशन का होना। तो आप इसमें डीडीटी का एग्जांपल दे सकते हो कि हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड डीडीटी का हमने इस्तेमाल किया था, उसके रिजल्ट में डीडीटी से रेजिस्टेंट जो मॉस्किटोज है उनका इवोल्यूशन हो गया था, है ना। देन हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम और अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस तरीके से हमारे पॉपुलेशन में ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा है कि 3 तरीके से अफेक्ट करेगा, तो 3 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो हो गया स्टेबलाइजेशन, देन डायरेक्शनल, ठीक है, और तीसरा होता है डिसरप्टिव। तीसरा कौन सा है, डिसरप्टिव, सही भाई। इसके अलावा आपसे आपकी बुक में जो चार्ट दे रखे हैं तो वो एंसेस्ट्री के बेसिस पर एक चार्ट दे रखा है, और एक होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में आपसे पूछ लिया जाता है, है ना। वो पूछेंगे क्या, वो ये पूछेंगे कि एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बेसिस पर, आप इनको कैटेगराइज करें, ठीक है। तो उसमें आपका होमोलॉजी एंड एनालॉजी आ जाएगा, एनालॉजी। फिर आपसे एक नंबर में ये ऑलरेडी मैंने सीलोकैंथ वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि लोपिन वाला, ये काफी बार पूछा जाता है ना। और सबसे बड़ा रेप्टाइल कौन सा था, लार्जेस्ट जो रेप्टाइल था,
है टॉलेस्ट भी, तो उसमें आप बताओगे कि ट्रायनोसोरेक्स रेक्स था, ट्रायनोसोरेक्स रेक्स था, ठीक है। और जो इवोल्यूशनरी वाला चार्ट आपकी बुक में गिवन है, उस चार्ट में से आपको पढ़ना है कि किसकी एंसेस्ट्री कॉमन है, लाइक सीड फर्न, फर्न, कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म, ऐसा पूछा जाता है। तो सीड फर्न अलग कैटेगरी में होगा, फर्न्स और कॉनिफर्स अलग कैटेगरी में होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप याद रखना कि ह्यूगो डिवरीज और डार्विन के जो व्यूज थे इवोल्यूशन को लेकर, वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। और एक नंबर में क्वेश्चन होता है की कंसेप्ट ऑफ डार्विन। तो दो मेन जो पॉइंट्स थे वो थे नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है भाई। और ह्यूगो डिवरीज और डार्विन के व्यूज में डिफरेंट। सो दिस इज ऑल। तो हमने दोनों यूनिट्स कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अगर आप याद करके जाते हैं तो 95+ आप जरूर ला सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।